कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसका नाम किंगमिंग होता है, जिससे प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस नहीं हो रही होती है। और वो अपने मास्टर से कहता है, तो मास्टर किंगमिंग से कहते हैं, अगर तुम अपने लाइफ में किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके ऊपर ध्यान देकर प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस करो। और किंगमिंग प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस करते करते बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी तक वो प्रोटेक्शन स्पेल को नहीं सीख पाता। और वो अपने मास्टर से कहता है, क्या मैं प्रोटेक्शन स्पेल के जगह टेलीपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? उसकी बात मानकर मास्टर उसके टेलीपोर्टेशन स्पेल को चेक करने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो बच जाता है। और मास्टर को समझ आ जाता है कि अब किंगमिंग टेलीपोर्टेशन स्पेल को सीख चुका है। इसके बाद मास्टर किंगमिंग से कहते हैं, तुम्हें किसी भी डीमन और एनिमी से लड़ने के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन स्पेल सीखना ही होगा। तभी वहाँ का प्रोटेक्शन वॉल क्रैक होने लगता है, जिसे एक बड़ा सा स्नेक तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर मास्टर किंगमिंग को टेलीपोर्टेशन की हेल्प से किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं। इसके बाद मास्टर तीन पेपर के ऊपर अपना ब्लड लगाकर गार्डियन स्पिरिट को बुलाते हैं। दरअसल ये तीनों गार्डियन स्पिरिट डीमन होते हैं जो मास्टर की हेल्प करते हैं और उन्हें सेव करते हैं, जिनका नाम स्नो हॉर्न, गोल्ड स्पिरिट एंड मैट पैंटर होता है। तभी वहाँ की वॉल तेजी से क्रैक होने लगती है। ये देखकर स्नो हॉर्न अपने पावर से उसके ऊपर बर्फ जमाने लगता है और मैट पैंटर भी अपने पावर से एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। और एक डीमन जिसका नाम गोल्ड स्पिरिट होता है, वो मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद मास्टर और तीनों गार्डियन स्पिरिट वॉल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर स्नेक वॉल को तोड़कर बाहर आने लगता है। तभी किंगमिंग अपने कुछ साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। मास्टर शैतान स्नेक को देखकर सभी से कहते हैं, अपने प्रोटेक्शन स्पेल को यूज करो और अपने आप को उसके जहर से बचाओ। सारे लोग मास्टर की बात सुनकर प्रोटेक्शन स्पेल को यूज कर लेते हैं, लेकिन किंगमिंग प्रोटेक्शन स्पेल को यूज नहीं कर पाता और टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है, मगर स्नेक के जहर से किंगमिंग का टेलीपोर्टेशन स्पेल खत्म हो जाता है। ये देखकर मास्टर अपने प्रोटेक्शन स्पेल को किंगमिंग के सामने एक्टिव कर देते हैं, जिससे वो बच जाता है, लेकिन मास्टर शैतान स्नेक के जहर से नहीं बच पाते। ये देखकर गोल्ड स्पिरिट स्नेक को रोकने के लिए स्नेक के मुंह में जाकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद हम किंगमिंग को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सैड होता है, क्योंकि मास्टर उसे बचाने के लिए स्नेक के जहर को अपने अंदर ले लिए, जिनके बॉडी के अंदर अब धीरे धीरे जहर फैल रहा था। किंगमिंग मास्टर से कहता है, मैं स्नेक के जहर से आपको कैसे बचा सकता हूँ? ये सुनकर मास्टर किंगमिंग से शैतान स्नेक के बारे में बताते हैं। 300 साल पहले जब ये स्नेक इंपीरियल सिटी में आतंक फैला रहा था, तो चारों मास्टरों ने उससे लड़ा और उससे हराकर इंपीरियल सिटी के अंदर कैद कर दिया, जो अब भी इंपीरियल सिटी के रानी के बॉडी के अंदर है। और इंपीरियल सिटी को चार स्टोन गार्डियंस प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिनका नाम टाइगर स्टैचू, बर्ड स्टैचू, टर्टल स्टैचू और ड्रैगन स्टैचू होता है। इसके बाद मास्टर किंगमिंग से कहते हैं, तुम्हें इंपीरियल सिटी जाना है और रानी का गार्डियंस बनके उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अगले सीन में हम इंपीरियल सिटी के रानी को देखते हैं, जिनको मालूम चल जाता है कि स्नेक की परछाई इंपीरियल सिटी में दिखी है। और वो ये भी कहती है, जल्द इंपीरियल सिटी में चारों मास्टर पहुंच जाएंगे जो रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम एक मास्टर को देखते हैं, जिनका नाम बोया होता है, जो बांसुरी बजा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम किंगमिंग को देखते हैं, जो इंपीरियल सिटी में पहुंच जाता है। फिर हम बोया को देखते हैं, जो एक डीमन को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहां पर किंगमिंग भी पहुंच जाता है और अपने टेलीपोर्टेशन के जरिए बोया के वार को दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। ये देखकर बोया किंगमिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वार को बर्बाद करने की? तभी डीमन किंगमिंग से कहता है, मुझे बांसुरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी दोस्त महल में बांसुरी बजाया करती थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो मैं बांसुरी सुनने के लिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन बोया को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे डीमन घायल हो जाता है। ये देखकर किंगमिंग बोया से डीमन को बचाता है। ये देखकर बोया गुस्सा हो जाता है और किंगमिंग से फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान किंगमिंग टेलीपोर्टेशन के जरिए उसे उसी जगह भेज देता है जहाँ पर वो बांसुरी बजा रहा था। इसके बाद किंगमिंग जब वहाँ से रानी के महल की ओर जाने लगता है, तो रास्ते में डीमन किंगमिंग से मिलता है, जहाँ पर डीमन किंगमिंग से कहता है, थैंक्स मास्टर मुझे बचाने के लिए, अगर आप नहीं होते तो आज मैं मर जाता। और वो किंगमिंग से उसका गार्डियन स्पिरिट बनने के लिए कहता है। तो किंगमिंग उससे उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम किलिंग स्टोन बताता है और वो डीमन को अपना गार्डियन स्पिरिट बना देता है। दूसरी तरफ हम बोया को देखते हैं, जो महल पहुंच जाता है, जहां पर वो किंगमिंग को देख लेता है और उससे कहता है, तुम यहां पर क्या करने के लिए आए हो? तब किंगमिंग बोया से कहता है, मैं भी एक मास्टर हूं। तभी वहां पर एक और मास्टर आ जाती है, जिनका नाम लोंगे होता है। उसी वक्त रानी का वहां पर प्रिस्ट भी आ जाता है। किंगमिंग प्रिस्ट को देखते ही रह जाता है, क्योंकि प्रिस्ट का फेस उसके मास्टर की तरह होता है। तभी प्रिस्ट तीनों मास्टरों से कहता है, आज जल्दी सो जाइए, क्योंकि कल हमें रिचुअल स्टार्ट करना है और चारों स्टैचू को जगाना है। इसके बाद सब मास्टर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर हम किंगमिंग को देखते हैं, जो अपने तलवार को रख रहा होता है। तभी उसे एक मैजिक ईयर दिखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और जाकर सो जाता है। अगली सुबह सारे मास्टर एक जगह इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर रानी की बेटी प्रिंसेस आती है। उसी वक्त गार्ड आता है, जो सभी से कहता है, मास्टर होंगरू मर गए, तो
ये बातें प्रिंसेस रानी से कहती हैं, तो रानी पर्दे के पीछे से प्रिंसेस से कहती हैं, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो और किलर को पकड़ो और मास्टर होंगरू की जगह प्रिस्ट को मास्टर बनाओ, क्योंकि बिना फोर मास्टर के हम रिचुअल को पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद सब बाहर आते हैं और मास्टर के डेड बॉडी को देखते हैं, तो उन्हें मालूम चल जाता है कि मास्टर को हेयर डीमन ने मारा है। तभी मास्टर सोग्यू कहते हैं, इंपीरियल सिटी में तो कोई डीमन एंट्री कर ही नहीं सकता क्योंकि हमने महल के चारों तरफ प्रोटेक्शन वॉल को लगाया है। तभी मास्टर लोंगे कहती है, हो सकता है कि डीमन हम लोगों के बीच में है, और वो प्रिंसेस से कहती है, क्या मैं डीमन्स को पकड़ने की कोशिश करूं? उनकी बातें सुनकर सारे मास्टर और रानी एग्री हो जाते हैं। इसके बाद वो वहां पर एक डीमन पॉट लेकर आती है जिसके अंदर डीमन को ट्रैक करने वाली मछलियाँ होती है। जब वो पॉट को वहाँ पर रखती है तो मछलियाँ किंगमिंग की ओर जाती है, जिससे सारे लोग किंगमिंग के ऊपर शक करते हैं कि मास्टर होंगरू को किंगमिंग ने ही मारा है। ये देखकर किंगमिंग सभी से कहता है, मैं एक फॉक्स डीमन का लड़का हूँ। ये सुनकर बोया अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, पर वो ऐसा नहीं करता। दरअसल बोया के फैमिली को एक फॉक्स डीमन ने मारा होता है। उसी वक्त प्रिंसेस गार्ड को बुलाती है। तभी बोया प्रिंसेस से कहता है, किंगमिंग मास्टर को नहीं मार सकता। ये सुनकर प्रिंसेस बोया से कहती है, ये तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि कल रात मैंने मास्टर किंगमिंग के रूम में मैजिक ईयर लगाया था और मैं उन्हीं को सुन रहा था जो कल रात कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। प्रिंसेस कहती है, मैं ये सारी बातों से मास्टर किंगमिंग को नहीं छोड़ सकती, मुझे और सबूत चाहिए। तभी मास्टर किंगमिंग प्रिंसेस से कहते हैं, कल रात मुझे अपने कमरे से एक कीड़ा मिला। दरअसल ये कीड़ा मैजिक ईयर की तरह ही काम करता है, लेकिन वो इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब बोया कीड़े को देखने के लिए लेता है तो सारी डीमन ट्रैकिंग मछलियाँ बोया की ओर चली जाती हैं। ये देखकर बोया उस कीड़े को वहीं मार देता है। फिर हम पॉट को देखते हैं, सारी डीमन ट्रैकिंग मछलियाँ प्रिंसेस की ओर चली जाती हैं और मास्टर किंगमिंग ये देख लेते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते। तभी प्रिंसेस कहती है, अब पता चल ही गया कि मास्टर होंगरू को कौन मारा है। लेकिन अब रिचुअल को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसमें मास्टरों को 3 दिन के अंदर स्टैचू को जगाना है। इसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में मास्टर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वो बोया को देखकर उसको ड्रिंक करने के लिए बुलाते हैं। तभी बोया को पता चल जाता है कि उसके पीछे एक डीमन आ रहा है और वो अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी मास्टर किंगमिंग डीमन को बचा लेते हैं जिसका नाम बटरफ्लाई डीमन होता है। इसके बाद रात में हम 3 मास्टर को देखते हैं जो डीमन्स को पकड़कर उसे मारकर उसका सोल ले लेते हैं। इसके बाद हम बोया को देखते हैं जो डीमन सोल को लेकर टाइगर स्टैचू को दे देता है, जिससे टाइगर स्टैचू अब रेडी हो जाता है। और इसी तरह मास्टर लोंगे भी स्टैचू को डीमन सोल दे देती है जिससे वो रेडी हो जाता है। फिर हम किंगमिंग को देखते हैं जो रात के वक्त मास्टर सोग्यू के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मास्टर सोग्यू कहते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं कई सालों से इसी महल में रह रहा हूं और मैं मास्टर जोंगसिंग का एंजल गार्डियन हूं जो मुझे यहां छोड़कर चले गए रानी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर किंगमिंग बोलता है, मास्टर तो मर चुके हैं। तभी सोग्यू अपने हाथों को दिखाता है और किंगमिंग से कहता है, मैं भी अब कुछ दिनों में मर जाऊंगा। इसके बाद सोग्यू डीमन सोल को लेकर ईगल स्टैचू को दे देता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनके ऊपर डीमन अटैक कर देता है। जब किंगमिंग और बोया को पता चलता है तो वो तुरंत प्रिंसेस के पास जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं प्रिंसेस के अंदर डीमन छिपा हुआ है। किंगमिंग ये देखकर प्रिंसेस के बॉडी के अंदर एक नुकीला स्ट्रिप डालता है और डीमन को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन अब किंगमिंग की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर बोया समझ जाता है और किंगमिंग के हाथों के ब्लड को निकाल कर रिचुअल को कम्प्लीट कर देता है। उसी वक्त इंपेरियल सिटी के प्रोटेक्शन के वॉल के ऊपर कोई डीमन ब्रेक करने की कोशिश करता है। ये देखकर बोया और किंगमिंग प्रिंसेस के पास जाते हैं तो वो देखते हैं रानी का प्रिस्ट मास्टर लोंगे से लड़ रहा है, जहाँ पर प्रिस्ट दोनों से बताता है मास्टर लोंगे रानी को मारने की कोशिश कर रही थी। इसी बात को लेकर चारों में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर हेयर डीमन आता है और मास्टर लोंगे के ऊपर अटैक कर देता है और वो मरने से पहले किंगमिंग को कुछ बताने की कोशिश करती है पर वो बता नहीं पाती और मर जाती है। इसके बाद किंगमिंग मास्टर बोया से मिलता है जहाँ पर किंगमिंग बोया से कहता है, मुझे प्रिंसेस के ऊपर शक है, और बोया कहता है मुझे प्रिस्ट के ऊपर शक है, और दोनों इसी के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद किंगमिंग जब अपने कमरे में आता है तो वो प्रिंसेस को अपने कमरे में देखता है जो किंगमिंग के मास्टर के तलवार को चुराने के लिए आई थी। दरअसल इस तलवार के जरिए स्नेक को मारा जा सकता है और वो प्रिंसेस से तलवार रखने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर हेयर डीमन आ जाती है और प्रिंसेस के ऊपर अपने हेयर से अटैक करके उसको मार देती है। ये देखकर किंगमिंग हेयर डीमन के पीछे जाता है और अपने प्रोटेक्शन स्पेल से उसे एक जगह रोकता है और हेयर डीमन से पूछता है, तुम प्रिंसेस को क्यों मारी? तो वो कहती है, मैं 60 सालों से प्रिंसेस से बदला लेना चाहती थी और आज मेरा बदला पूरा हो गया। इसके बाद किंगमिंग जब हेयर डीमन के पास जाता है तो उसके बालों में से रानी की इमेज मिलती है जो प्रिंसेस की तरह ही लग रहा था और किंगमिंग को मालूम चल जाता है कि प्रिंसेस ही रानी है। दूसरी तरफ बोया प्रिस्ट के पास जाता है उससे पूछने के लिए, जहाँ पर प्रिस्ट बोया के ऊपर अटैक करके उससे बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। जब किंगमिंग वहाँ पर जाता है तो बोया को बेहोश हुआ देखकर उसे उठाता है और उसे सारी बातें बता देता है। इसके बाद जब दोनों महल से बाहर निकलते हैं तो प्रिंसेस और प्रिस्ट को देखते हैं जहाँ पर बोया
राजा दोनों से कहता है, आप लोग रानी को क्यों धोखा दिए। तभी किंग बताता है, ये प्रिंसेस नहीं रानी है, जिनको हमने पर्दे के पीछे देखा वो रानी का पुतला था जिससे ये प्रिस्ट यानी मास्टर सोयुग कंट्रोल कर रहा था। और तो और प्रिस्ट ने ही बाकी मास्टरों को हेयर डीमंस की हेल्प से मरवाया। बोया को किमिंग की बातें नहीं समझ में आ रही होती है, तो किमिंग कहता है 300 साल पहले जब इसने इंपेरियल सिटी पर अटैक किया तो 4 मास्टरों ने उसे लड़कर उसे हराया और रानी के अंदर कैद कर दिया, जिसके कारण रानी इमोर्टल हो गई, जिससे वो कभी भी नहीं मर सकती हैं। और रानी के अंदर स्नेक होने की वजह से वो इंपेरियल सिटी के बाहर नहीं जा सकती थी, जिसके वजह से मास्टर रानी को एक एंजल गार्डन देते हैं जो मास्टर की तरह ही दिखता है, और मास्टर इंपेरियल सिटी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रानी सोचती थी कि प्रिस्ट ही मास्टर है, लेकिन कुछ दिन पहले प्रिस्ट रानी से कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और मुझे इमोर्टल होना है, जिससे रानी प्रिस्ट की बातें मान लेती हैं, क्योंकि प्रिस्ट मास्टर की तरह ही लग रहा था और रानी को पता नहीं होता कि प्रिस्ट एक गार्डियन एंजल है। इसके बाद जब दोनों प्रिस्ट को रोकने के लिए जाते हैं तो प्रिस्ट टेलीपोर्टेशन के जरिए दोनों को किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। दूसरी तरफ किंगमिंग टेलीपोर्टेशन के हेल्प से वहां से बाहर निकल जाता है और वो अपने टेलीपोर्टेशन के जरिए बोया को भी वहां से निकाल लेता है। इसके बाद हम रानी को देखते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और उनके बॉडी के अंदर से एक स्नेक बाहर निकलता है। उसी वक्त हम किंगमिंग को देखते हैं जिसके मास्टर का तलवार अपने आप ही निकलता है और स्नेक को मारने के लिए जाता है, पर प्रिस्ट उसको रोक देता है और स्नेक को अपने बॉडी के अंदर निगल जाता है, जिससे प्रिस्ट अब इमोर्टल हो जाता है। लेकिन अब चारों मास्टर के स्टैचू जाग जाते हैं और प्रोटेक्शन लेयर से इंपेरियल सिटी को घेर लेते हैं, लेकिन एक मास्टर का स्टैचू नहीं जागता। दरअसल प्रिस्ट इस मास्टर को डीमन सोल नहीं दिया होता है और वो प्लान बनाया होता है कि इंपेरियल सिटी के एक साइड से वो निकल जाएगा। इसके बाद हम रानी को देखते हैं जो प्रिस्ट के साथ इंपेरियल सिटी से बाहर जा रही होती है और इसके साथ साथ इंपेरियल सिटी को स्नेक डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा होता है, जो अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होता है। रानी इंपेरियल सिटी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो प्रिस्ट को लेकर स्नेक के ऊपर से कूद जाती है, लेकिन स्नेक प्रिस्ट को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। इसके बाद हम मास्टर किंगमिंग और मास्टर बोया को देखते हैं। किंगमिंग ये देखकर अपने गार्डियन स्पिरिट को बुला देता है, जिसमें किलिंग स्टोन, मैट पेंटर, स्नो हॉन्ड होता है। दो गार्डियन स्पिरिट स्नेक से लड़ने के लिए जाते हैं और मैट पेंटर मास्टर किंगमिंग को सेव करता है और मैट पेंटर एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है। फिर हम स्नो हॉन्ड को देखते हैं जो प्रिस्ट से लड़ रहा होता है, लेकिन अब प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और स्नो हॉन्ड को मारकर नीचे फेंक देता है। ये देखकर किलिंग स्टोन उससे लड़ता है, पर प्रिस्ट उसको भी अपने पंजों से मारकर स्नेक से नीचे फेंक देता है। ये देखकर बोया किंगमिंग से कहता है, मैं बर्ड मास्टर को उठाने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बर्ड मास्टर के पास जाता है। दूसरी तरफ हम स्नेक को देखते हैं जो मैट पेंटर को अपने मुंह में ले लेता है और अपने पावर से उसे अपने मुंह में ही मार देता है, जिससे मैट पेंटर का प्रोटेक्शन लेयर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बोया को देखते हैं जो अपने पावर से बर्ड मास्टर को उठाने की कोशिश करता है, पर वो मास्टर को रेडी नहीं कर पाता और वहीं गिर जाता है। तभी किंगमिंग के पास बोया आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर स्नो हॉर्न एक बर्फ का लेयर बनाता है, पर स्नेक उसको इजीली तोड़ देता है। लेकिन अब बर्ड मास्टर का स्टैचू उड़ जाता है, जिससे वो फिर इंपेरियल सिटी में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेयर बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बोया आता है, जिसके अंदर अब बर्ड मास्टर का सोल होता है, और बोया वहाँ से तुरंत स्नेक से लड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर प्रिस्ट और बोया में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है। इसके बाद हम किंगमिंग को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन के जरिए रानी के पास जाता है और उनसे कहता है मास्टर मर चुके हैं, और वो अपने पावर से रानी को अपने मास्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर रानी भी मास्टर को मरते हुए देख लेती है और बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद जब दोनों प्रेजेंट में आते हैं, किमिंग बोया को मास्टर का तलवार देता है, जो बदलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और बोया मास्टर की तलवार को लेकर प्रिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, पर प्रिस्ट के ऊपर उसके पावर का असर नहीं पड़ता। ये देखकर रानी प्रिस्ट से कहती है, ऐसा मत करो और रुक जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। प्रिस्ट रानी की बातें नहीं सुनता, जिससे वो एक तलवार से अपने आप को मार देती है, और प्रिस्ट ये देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो रानी से प्यार करता था। और रानी के मरने की वजह से स्नेक खत्म होने लगता है, लेकिन स्नेक किंगमिंग के ऊपर जहर से अटैक कर देता है, पर बोया उसे बचा लेता है और घायल हो जाता है, जिससे प्रिस्ट भी मर जाता है। लेकिन हम देखते हैं प्रिस्ट अभी जिंदा होता है और मास्टर के तलवार से किंगमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंगमिंग अपने पावर से तलवार को ले लेता है और प्रिस्ट के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिससे प्रिस्ट मर जाता है। इसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं बोया इंपेरियल सिटी में रुक जाता है और किंगमिंग वहां से अपने घर जाता है, और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा टेक केयर।